बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार सुर्खियों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव के घर, यानी कि यूं कह सकते हैं हम, कि राबड़ी आवास पर एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के घर से उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय हाल ही में रोती हुई बिलखती हुई घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी, और उसके बाद जब वो घर लौट रही थी तो उनके लिए राबड़ी आवास के दरवाजे पूरे तरीके से बंद हो गए थे। लंबे समय तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार ऐश्वर्या को उनकी सास राबड़ी देवी ने घर में एंट्री जरूर दे दी, लेकिन इसके पहले ऐश्वर्या ने लालू परिवार के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए जिसके बाद अब ये पूरे तरीके से राजनीतिक मामला बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने साफ कहा कि तेज प्रताप जो उनके पति हैं वो घर पे जहर खाने की धमकी देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीसा भारती, यानी कि जो लालू की बेटी हैं, वो उन्हें परेशान करती हैं, उन्हें खाना नहीं देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राबड़ी देवी भी मीसा भारती के साथ इस पूरे मामले में शामिल है। बता दें आपको कि फिलहाल तेज प्रताप और ऐश्वर्या का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या अपने घर पर नहीं बल्कि तेज प्रताप के घर पर रह रही थी, और राबड़ी आवाज से जिस तरह रोती बिलखती हुई वो निकली उसके बाद पूरे तरीके से हर किसी की निगाहें इस परिवार को लेकर आगे बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस परिवार की छीछा लेतर हो रही है वो वाकई में लालू को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकती है। हालांकि ऐश्वर्या ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी वजह से लगता है कि यहाँ पर घर में अंतर्कलह काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मीसा भारती पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। वहीं मीसा भारती का ये कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है और वो चाहती हैं कि वो शांति से जिए, उनकी माँ शांति से जिए। इस वजह से ऐश्वर्या को घर से बाहर किया गया था, ऐश्वर्या अपनी मर्जी से घर से बाहर गई थी। यानी कि मीसा भारती तो इस मामले में पूरे तरीके से सामने आई है, लेकिन अभी भी ऐश्वर्या का पक्ष जो है वो मजबूत माना जा रहा है। महिला आयोग भी ऐश्वर्या को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में फिलहाल तेजस्वी और लालू यादव ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बहुत जल्द वो बयान दे देंगे। ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि अगर उनके ससुर यानी कि लालू प्रसाद यादव घर में होते तो इस तरह के दिन उन्हें नहीं देखने पड़ते। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी है नहीं, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब देखना है कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।